अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तो आपको पता ही है कि मिर्ज़ा जहलमी मंगोली बहुत बड़बोला है, और बड़बोला होने के साथ साथ बदतमीज़ भी है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि ये कुरान और हदीस की बात करता है, हम कुरान और हदीस की बात करते हैं, बुखारी मुस्लिम, बुखारी मुस्लिम, कुरान हदीस, बुखारी मुस्लिम इल्मी किताबी, यही इसका डायलॉग है। लेकिन ये कुरान और हदीस और बुखारी मुस्लिम कर कर के अगले बंदे को इतना मुतासिर करता है कि वो इसकी झूठी बात मानने के लिए भी हाँ 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 करता रहता है। अभी इसने मामू बनाया है बिलाल कुतुब को, बिलाल कुतुब को इसने मामू बना दिया है, और उसको बेचारे को पता भी नहीं चला कि इसकी चर्ब जबानी और जबान की तेजी की वजह से वो जो है वो मामू बन गया है। बेचारे का कोई बस नहीं चला और बस इसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा, उसको पता ही नहीं चला कि बेचारा मामू बन गया है। मामू, हाँ जी, क्योंकि ये जो है वो इस अंदाज से बंदे को अपने जाल में फंसाता है। यही हाल जो है वो इसके स्टूडेंट्स का है। बल्कि हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, जितने लोग ये कहते हैं ये मिर्ज़ा जेलमी के स्टूडेंट, खबरदार, इनको मिर्ज़ा जेलमी का स्टूडेंट मत कहना। ये मिर्ज़ा जेलमी के स्टूडेंट नहीं है, बल्कि ये उसके मुकल्लिद हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इनको मिर्ज़ा जेलमी के स्टूडेंट्स ना कहा करें, यूं कहा करें कि मिर्ज़ा जेलमी के मुकल्लिदीन। ये मिर्ज़ा जेलमी के मुकल्लिदीन हैं, और मिर्ज़ा जेलमी इनका नए जमाने का नया फितना, नया उस्ताद है। जी हाँ, अभी मेरी वीडियो के नीचे गालियां पड़ना शुरू हो जाएंगी, मुझे पता है इस चीज का, क्योंकि मिर्ज़ा जेलमी ने अपने स्टूडेंट को यही सिखाया है कि जो भी हक की बात करे, जो मेरे खिलाफ बात करे, जो मेरे दलाल के मुकाबले में कुरान और हदीस के सही दलाल लेके आए, और जो मैं करता हूं बुजुर्गों की बदतमीजी करता हूं, उनके बारे में तौहीन आमेज कलिमात अदा करता हूं, जो बुजुर्गों की मैं तौहीन करता हूं, अगर उसके हक में कोई दलाल लेकर आए तो पड़ जाओ कुत्तों की तरह, उसको उसकी टांगे नोच लो, और उसको छोड़ना नहीं है तुम लोगों ने। यही मिर्जा की तालीम है। आज तक मिर्जा जेलमी के मुकल्लिदीन में से किसी को मैंने इश्के रसूल में रोते हुए नहीं देखा, किसी को मैंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तड़पते हुए नहीं देखा। हाँ, मिर्जा की मोहब्बत बड़ी है, लो लो लो, मिर्जा की मोहब्बत तो बड़ी है उनके दिल में। सरकार को वो छोकरा बोल दे, सहाबा को वो जो मर्जी कहता रहे, औलिया अल्लाह को जो मर्जी कहता रहे, कभी इनको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही कोई मिर्जा के बारे में बात करेगा तो इनके अंदर की जो शैतानियत है वो भड़कने लगती है कि हमारे गुरु को बोल दिया, वाह वाह वाह, हमारे गुरु के बारे में क्यों बात की, इसकी जरूरत के तो टांगों को पड़ जाते हैं। तो बार कैफ, मैं ये कहना चाह रहा था, मिर्जा जेलमी ने बनाया है मामू, और मामू बनाया है उसने बिलाल कुतुब को। इंटरव्यू देते हुए बिलाल कुतुब से उसने कहा कि खून जो होता है ये पाक होता है, वो पाक होता है, इस हालत में नमाजें भी पढ़ी जाती हैं, और ये अरलम बरलम बड़ी जो है ना वो अजीबो गरीब गुफ्तगू करके खून को पाक होने के दलाल देकर तो ये वहां से रवाना हुआ है। आप सुनिए उसने क्या कहा है। तो फिर तकलीद कहाँ से शुरू होती है? तकलीद ये कहते हैं कि जी जो ऐसे मसाइल हैं जो कुरान और सुन्नत ने वाज़े बयान नहीं किए, मसलन, अच्छा मसलन जो ये कह रहे हैं ना वाज़े बयान नहीं किए, हमारे नजदीक वाज़े बयान, वाज़े बयान, हाँ जी, मसलन मिसाल के तौर पर अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक डॉक्ट्रिन खड़ी कर ली कि जिस्म से निकलने वाली जो नापाक चीज है वो वुजू तोड़ देगी, ठीक, और वाइस वर्सा, जो चीज वुजू तोड़ती है वो नापाक है। इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने खून को नापाक डिक्लेयर कर दिया और खून के निकलने पर वुजू लाजिम बताया, जबकि इमाम शाफी का मौकिफ है कि खून पाक है, उसका सिर्फ पीना हराम है, कुरान में जो चार जगह पे वो हराम है, नापाक नहीं है, नापाक नहीं है। हाँ, ज़ाहिर है सहाबा की जिंदगी जंगों से इबारत थी, मुझे बताइए उस जमाने में कौन सी ऐसी अदवियात थी, लोग हर वक्त इसी चीज में पड़े रहते कि वो अपने कपड़े ही बदलते रहते, फिर तो जंग में नमाज भी तो वो खून के साथ जी जी पढ़ते थे। अच्छा, इमाम ये कहते हैं जी, हमारे इमाम साहब ने बताया, हम कहते हैं अबू दाऊद में हदीस है कि एक सहाबी पैरे के ऊपर थे, उन्हें तीर लगते रहे और वो नमाज पढ़ते रहे, जी नमाज पढ़ते रहे, उन्होंने कहा आयत शुरू कर ली थी, मैं छोड़ रहा था, मैं उसको छोड़, हाँ देखिए इसी तरीके से। अच्छा, ये मैंने इमाम हनीफा की गलती हाईलाइट की ना, जी जनाब, तो आपने सुना कि खून पाक होता है, उसने कहा कि खून पाक होता है, टांग पे टांग रख के, इस तरह टांग पे टांग रख के बड़ी बात करता है जैसे बहुत बड़ा आलिम है और बड़ा मुहद्दिस है, और अपनी जहालत को उलमाए किराम और मुहद्दिसीन की बदतमीजी के नीचे छुपाने की कोशिश करता है। इल्जामात, ये तो हदीस भी है ना,
कि आने वाले जमाने में लोग पहले को अपने से पहलों को जो है ना वो बुरा कहेंगे। बारका मैं मिर्जा जहलमी के मुकल्लिदीन से, उसको फॉलो करने वालों से मुखातिब हूँ। अगर आपको दलायल दलायल करते हो ना, आप बड़े दलायल दलाल करते हो कि हमें दलायल दो इस बारे में, आओ मैं वीडियो का लिंक जो है ना वो शेयर कर दिया नीचे। हमारे मनाजरे अहले सुन्नत मुफ्ती राशिद महमूद साहब ने जो दलायल दिए हैं, उसने धुएं निकाल दिए कानों से, मिर्जा के मुकल्लदीन के कानों से धुआं निकलेगा, वो दलायल सुन के धुआं निकलेगा कानों से। जी हाँ, ऐसे दलायल दिए हैं शेर के बच्चे ने। हाँ, ऐसे अहले सुन्नत के शेर ने जो है वो दलायल दिए हैं कि इसके कानों से धुआं निकलेगा और मिर्जा की ये दलायल सुनकर शलवार गीली हो जाएगी। हाँ, जरूरत ये है कि बस सुनने की मत पैदा करना, पूरी वीडियो देखना तो तुम्हें लग पता जाएगा कि दलायल किसे कहते हैं। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को सलामत रखे। अहले सुन्नत की तरफ से ये मिर्जा इसकी इनकी भी तोहीन करता है, छोटू कहता है, लेकिन ये छोटे का वार बड़ा खतरनाक होता है जनाब। ये छोटा जब वार करता है ना तो ये वार वार से पार हो जाता है जी, दूसरी तरफ से निकल जाता है ये वार, ऐसा खतरनाक वार करते हैं। तो मैंने इनकी वीडियो का लिंक जो है वो नीचे शेयर कर दिया है, अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दिया है वीडियो का। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप मुफ्ती साहब की वो वीडियो जरूर देखें कि खून नापाक है या पाक है, इस हवाले से इंशाल्लाह आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे और ईमान वालों का दिल जो है वो खुश हो जाएगा, और जो बेईमान है और शैतानी लोग हैं और इसके सारे मुकल्लदीन, उनका खून अंदर ही जम जाएगा और जम के वो बदबूदार हो जाएगा, और फिर उस बदबूदार मुंह से, उस बदबूदार बदन से गालियां निकलेंगी और हमें बुरा भला कहा जाएगा। मेरे कमेंट्स बॉक्स में भी ऐसे कमेंट्स आएंगे, लेकिन वेलकम, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मिर्जा के जो मुकल्लदीन हैं वो कितने हक परस्त हैं, कितने अच्छे दलायल कुरान और हदीस के दलायल को मानते हैं या नहीं मानते। तो जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, मिर्जा जहलमी के मुकल्लदीन और तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, वीडियो देखिए, वीडियो को क्लिक कीजिए और मुफ्ती साहब की ये पूरी वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपके मजे को भी मजा आ जाएगा। अस्सलामुअलैकुम।